YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मुहूर्त ट्रेडिंग पर आपको कौन सा स्टॉक्स बाय करना चाहिए जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों बता दें, कभी भी आपको लोन लेकर के, किसी से उधार लेकर के, किसी से कर्ज लेकर के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इससे आप आगे चल के बड़ी मतलब मुसीबत का सामना कर सकते हैं। तो कभी भी किसी से उधार, लोन और कर्ज लेकर के इन्वेस्ट ना करें। खुद के बचत किए गए पैसे, जो बचत हुआ है, आपका सेविंग हुआ है, उसे इन्वेस्ट करें और उस सेविंग का जो कि आपको आने वाले समय में जिसकी जरूरत नहीं है। अभी कि यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म के लिए जो बात करेंगे वो फंडामेंटली काफी सॉलिड स्टॉक्स है, उसके फंडामेंटल्स की हम बात नहीं करेंगे। अगर आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो हमने फंडामेंटल्स काफी सारी बातें की है। 5 स्टॉक्स हम आपको बताएंगे इस वीडियो में जिसके बेसिक जो फंडामेंटल्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ आपको लगातार कंपनी के जो इंटरनल कोई भी इश्यू होता है उस पर ध्यान रखना है। साथ ही साथ कंपनी का जो नंबर है, मतलब जो रिजल्ट है वो कैसा आता है, उस पर ध्यान रखना है कि ग्रोथ होता है कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू में या नहीं, तो इन सब बातों को ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो चार्ट आपको लगाना है वो लॉन्ग टर्म चार्ट के लिए आपको वीकली चार्ट का उपयोग करना है। कभी भी आपको शॉर्ट टर्म चार्ट मतलब जैसे डेली आवरली चार्ट का उपयोग नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर वीकली चार्ट जैसे उपयोग करते हैं तो देखिए स्टॉक्स इस तरह से राइजिंग पैटर्न वाला होगा। तो जिस स्टॉक का चार्ट लगातार मतलब इंक्रीज हो रहा है वैसे स्टॉक में ही आपको इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए पहला पैरामीटर है कि फंडामेंटली सॉलिड होना चाहिए, कंपनी का बिजनेस एस्टेब्लिश होना चाहिए और कंपनी उतनी भी बड़ी नहीं होना चाहिए कि वो बहुत बड़ी लार्ज कंपनी हो। तो यहाँ पर हमने सारे मिड कैप साइज के जो कंपनियां हैं उसको लिया है। मिड साइज कंपनियों में काफी ग्रोथ पोटेंशियल होता है लेकिन मार्केट में जब गिरावट होगा तो उसमें गिरावट भी काफी ज्यादा होती है। जैसे देखिए पहला स्टॉक है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये स्टॉक्स हाई लगा चुका है 950 का। जब मार्केट में गिरावट हुआ तो उसके साथ देखिए 300 पॉइंट का इसमें गिरावट देखने मिला। तो इतना ज्यादा गिरावट आपको देखने मिलेगा 30% तक के एक छोटे से मार्केट करेक्शन में। अब देखिए अगर मार्केट 10% से गिर जाए तो कितनी बड़ी गिरावट हमें देखने मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ये स्टॉक्स पर ध्यान देना है कि जो स्टॉक्स राइजिंग पैटर्न वाला हो वीकली चार्ट पे और किसी भी करेक्शन पर, जैसे यहाँ करेक्शन होता है तो यहाँ पर आपको बाय कर लेना है। फिर जैसे स्टॉक्स आपके फेवर में जाता है तो उसको होल्ड कीजिए। अगर आपके ऑपोजिट चला गया, जो स्टॉक्स है उसमें लगातार गिरावट हो रहा है, तो अपना एक स्टॉप लॉस फिक्स कर लीजिए, उस स्टॉप लॉस पे आप निकल सकते हैं। तो देखिए जैसे स्टॉप लॉस कब रखना है या किस स्टॉक पे बाय करना है। जैसे ये स्टॉक अभी रैली नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं काफी बड़ा ये रेड कैंडल बना है जो दिखाता है कि अब जो स्टॉक में मोमेंटम है वो कुछ दिनों तक नहीं होने वाला है। तो जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसको देख करके आप ये सब चीज सीख पाएंगे कि जब कैंडल काफी बड़ा हो, मतलब यहाँ से काफी बड़ा रिजेक्शन कैंडल है जो कि मार्केट गिरावट के साथ बना है लेकिन यहाँ पर दिखाता है कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर की कमी हो चुका है इस स्टॉक में। तो जब बायर अभी नहीं है तो थोड़ा टाइम लेगा, कंपनी ये स्टॉक जो है साइडवेज होगा, साइडवेज होने के बाद ऊपर के रेंज को ब्रेक करता है तो फिर ये जबरदस्त मोमेंटम दिखाएगा क्योंकि चार्ट स्टॉक्स काफी सॉलिड है, फंडामेंटल भी काफी स्ट्रॉन्ग है। ये स्टॉक मुहूर्त ट्रेडिंग पर आप बाय कर सकते हैं लेकिन किसी भी करेक्शन पर, जैसे ये करेक्शन मिलता है उस समय बाय करना, अपना स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। देखिए शुरू में स्टॉप लॉस रखते हैं क्योंकि हो सकता है यहाँ पर आपने छोटा सा स्टॉप लॉस रखा 50 पॉइंट का, स्टॉक्स गिर गए यहाँ पर 200 पॉइंट्स, तो आप देखिए आप 50 पॉइंट्स उसमें चले जाइए फिर भी 150 पॉइंट आप नीचे स्टॉक्स को फिर से ले सकते हैं, इसीलिए स्टॉप लॉस रखना है। जब स्टॉक्स आपके फेवर में चला जाए तो फिर आप उसको होल्ड कीजिए। तो जब फेवर में गया तो उसको होल्ड करना है, अगर स्टॉक्स आपके अपोजिट चला गया तो स्टॉप लॉस लेकर निकल जाइए छोटे से लॉस के साथ। उसके बाद जो दूसरा स्टॉक्स है वो है पॉलीकैब। ये भी देखिए काफी बेहतरीन स्टॉक्स है, काफी बेहतरीन स्ट्रॉन्ग मतलब काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है, किसी भी करेक्शन पे आप इसको ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी करेक्शन हुआ ले सकते हैं, फिर यहाँ पर देखिए काफी बड़ा रेड कैंडल बना है, अभी थोड़ा सा आपको अवॉइड होना है क्योंकि मार्केट में जो गिरावट है, फिर से मार्केट जब तक अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं करता है तो स्टॉक्स भी बहुत ही कम सारे स्टॉक होंगे जो क्रॉस करेंगे, मतलब जो स्टॉक्स मार्केट के साथ काफी गिरावट दिखाया वो स्टॉक्स अभी अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं करने वाला। तो ये स्टॉक्स भी थोड़ा सा यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम दिखा सकता है अगर मार्केट साइडवेज होता है तो, फिर जैसे ये रेंज बनाएगा, रेंज को ब्रेक करेगा या अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलेगा तो काफी जबरदस्त मोमेंटम दिखाएगा। इस स्टॉक को भी जब ये गिरावट में मिले, जब अपना सपोर्ट रीजन कहीं पर बनाए वहां पर आप इसको बाय कर सकते हैं।
फिलहाल ये जो स्टॉक्स यहाँ पर सपोर्ट बनाया है वो है 2200 नीचे, और उसके 2200 के नीचे जो है 2100, तो ये रीजन है इसका सपोर्ट रीजन। इसके आसपास आता है तो फिर आप इसको बाय कर सकते हैं। फिर उसके बाद है जेबी केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स, ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक। देखिए चार्ट कितना सॉलिड है, लगातार ये राइजिंग, किसी भी गिरावट में आप इसको भी बाय कर सकते हैं। देखिए लगातार राइजिंग चार्ट है, लगातार राइज किया है चार्ट पर, तो जैसे यहाँ पर कोई भी गिरावट होता है तो वहां पर आप इसको बाय कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये स्टॉक्स पूरी तरह से साइडवेज हो चुका है, तो साइडवेज मोमेंटम, तो यहाँ पर अगर सपोर्ट को ब्रेक करता है तो सपोर्ट को ब्रेक करके जैसे नीचे आता है तो वहां पर आप बाय कर सकते हैं। जेबी केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स काफी वेल एस्टेब्लिश कंपनी है फार्मास्यूटिकल सेक्टर की, तो आप इसको ले सकते हैं किसी भी गिरावट में। उसके बाद है कजारिया सेरामिक्स, ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक है। कजारिया सेरामिक्स सेक्टर की लीडर स्टॉक है, तो हमेशा लीडर के साथ रहना है। साथ ही साथ ये सेक्टर उतना बड़ा नहीं है जितना कि आप FMCG हो गया, फार्मा हो गया, इन सबको देखते हैं, इसलिए इस सेक्टर में जो सेक्टर का छोटा है मतलब उतना बड़ा मार्केट कैप वैल्यू नहीं है, तो आप उसमें सेक्टर लीडर के साथ रहिए। ये स्टॉक्स काफी बेहतरीन है, किसी भी गिरावट में आपको बाय कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद ये रेंज को ब्रेक किया, तो यहाँ पर देखिए लगातार यहाँ पर मोमेंटम देखा है लगभग 300 से ज्यादा पॉइंट का। देखिए आपका चौथा स्टॉक हो गया जो कि आप मुहूर्त ट्रेडिंग के अवसर पर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं किसी भी गिरावट में, मतलब वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना है, या मुहूर्त ट्रेडिंग पर आप एक दो स्टॉक्स लेकर के आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। एक दो स्टॉक्स जैसे ले लेते हैं तो जैसे इसमें फ्लक्चुएशन होगा, जैसे स्टॉक गिरावट होगा तो वो आपको ध्यान में रहेगा कि जब गिरावट होता है तो इस स्टॉक्स को बाय करना है, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। ऐसे भी यहाँ पर जो जेबी केमिकल्स है ये काफी डिस्काउंट प्राइस पर आपको मिल रहा है। साथ ही साथ आप उसके बाद अगला जो स्टॉक है वो है टाटा एलेक्सी। देखिए ये स्टॉक्स काफी रैली कर चुका है, ये स्टॉक्स यहाँ पर देखिए मात्र 600 के आसपास मिलता था और यहाँ पर 6000 जा चुका है, तो लगभग 10 टाइम्स यहाँ पर रैली कर चुका है 2020 के गिरावट से। तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, स्टॉक कोई भी एक बड़ा करेक्शन हो देता है तो उस डिप पे आपको बाय करना है, तो मुहूर्त ट्रेडिंग में हम ऐसे नहीं बाय कर लेंगे, स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। और एक तो स्टॉक जो होगा जैसे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इसका आप बाय कर सकते हैं, ये काफी सॉलिड फंडामेंटल है और इसमें कोई बड़ा मोमेंटम भी नहीं हुआ, ये आप स्टॉक अभी बाय कर सकते हैं। और जो चार स्टॉक्स है उसको पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए मुहूर्त ट्रेडिंग के अवसर पर, एक दो स्टॉक्स इसका बाय कर लीजिए। जैसे आपको 20 स्टॉक्स बाय करना है तो एक स्टॉक दो स्टॉक बाय कर लीजिए, फिर जैसे गिरावट होता है गिरावट पे आप अपना धीरे धीरे स्टॉक्स बढ़ाएंगे। तो 5 स्टॉक्स मैंने ये बताया जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये 5 स्टॉक्स आपके लिए काफी बेहतरीन होंगे जिसको आप मुहूर्त ट्रेडिंग पर बाय कर सकते हैं और आप अपने पोर्टफोलियो को ग्रो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशन इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।